हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसआरएस बुक्स इंडिया वन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सोलर सेट, और सोलर सेट से आप लोग कैसे खेत में पानी दे सकती है और कैसे आप लोग वाटर सप्लाई कर सकती है। तो इसमें क्या क्या लगती है और कितने प्लेट लगती है, कितने वाट देती है, सारी डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा, तो वीडियो के अंत तक देखना। दोस्तों, ये है सोलर, आप लोग देख रही है, ये सोलर है, ये देखिए सोलर, यहाँ पे 6 प्लेट है और ये देखिए एक अर्थिंग भी है, इसके ऊपर में एक अर्थिंग है। और ये जो सोलर है, सोलर की साथ ये देखिए एक एंगल है, एक पत्ती है और वहाँ पे एक पत्ती है और यहाँ पे एक पत्ती है। इसको हम किसी ऐसे जगह पर रखना चाहिए जिस जगह पर रखने के बाद हर दिन सनलाइट ऊपर से पड़े, जो सूर्य का जो किरण है वो आए, ताकि हमारा जो बैटरी होगा वो बैटरी की चार्ज हो जाए। लेकिन ये जो है, इसमें बैटरी का कोई प्रयोजनता नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इससे पावर जनरेट कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें एक इससे पावर कलेक्टर होना चाहिए, ये देखिए ये पावर कलेक्टर है, ये डिजिटल पावर कलेक्टर है, और ये देखिए ये पावर कलेक्टर है। तो ये पावर कलेक्टर क्या करेगा, ये जो सोलर होता है, ये सोलर का जो जितना भी पावर होगा इसको ये कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट करके आपका जो मोटर होगा, यहाँ पर ये देखिए ये मोटर है, तो ये मोटर में कितना पावर लाएगा उतना ही पावर ये सप्लाई कर देगा। सिर्फ आप लोग को सूर्य का किरण होना चाहिए। तो ये बहुत लो प्राइस का है, इसका दाम बहुत कम है, ओनली 25,000 में ये सारे सेट मिल जाती है, ये देखिए। और ये जो लोग एग्रीकल्चर और खेत करती है, कृषि खेत करती है, उन लोग के बहुत फ़ायदेमंद होता है, ताकि आप लोग 24 घंटा तक आप लोग यूज़ कर सकती है, लेकिन दिन में आप ज़्यादा यूज़ कर सकती है, आप लोग खेत में पानी दे सकती है। और ये जो पावर कंडक्टर है, इसमें थोड़ा चार्ज ये रख लेती है, अगर आप रात में भी इसको चलाना चाहती है तो रात में भी आप लोग चला सकती है। इसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा एक जो रोटासोल जो कंपनी है उसका जो पावर कंडक्टर है, ये पावर कंडक्टर होना चाहिए और इसके साथ 6 प्लेट होना चाहिए जो 400 वाट का होना चाहिए, और ऐसा एक मोटर होना चाहिए, जो मोटर ये देखिए जो मोटर है, ये मोटर काइन का नहीं है, ये सोलर का होना चाहिए, जो 0 वाट का होता है, 0 लाइन में कहती है तो भी चलेगा, सिर्फ 100 वाट होगा तो ये पानी उठेगा, और इसके साथ एक ऐसा दमकल होना चाहिए और एक डिलीवरी पाइप होना चाहिए, इससे यहाँ पर पानी आएगा और इस तरह का पानी मोटर से निकलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं एग्रीकल्चर का सारे वीडियो देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।